नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज में। दोस्तों, दुनिया में अधिकांश लोग कर्ज में डूबे रहते हैं। उनके लाख प्रयत्न करने के बाद भी वो कर्ज से मुक्ति नहीं पा पाते हैं। वो लाख कोशिश करने के बाद भी उधारी के बोझ में ही दबे रहते हैं। दोस्तों, इस सब का कारण वास्तु दोष हो सकता है। कहीं आप भी तो कर्ज के बोझ से में दबे हुए तो नहीं हैं? अगर है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनका आप उपयोग कर वास्तु दोष संबंधी समस्याओं से मुक्ति पा सकेंगे और आप कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। तो ये जानते हैं कौन से हैं वो उपाय। दोस्तों, अगर आपने किसी से किस्त पे रुपये लिए हैं तो आपको हमेशा कर्ज की पहली किस्त मंगलवार को चुकानी चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप कर्ज से बहुत जल्द मुक्त हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके घर या दुकान में कांच लगा हुआ है या लगाना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि कांच हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में हो। ऐसा करने से ये लाभप्रद साबित होता है और कर्ज से भी छुटकारा मिलता है। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं या बना रहे हैं तो ध्यान रहे कि घर में बाथरूम दक्षिण पश्चिम हिस्से में नहीं होना चाहिए। अगर इस दिशा में बाथरूम बनाएं तो आप कर्ज में और डूब सकते हैं। लेकिन आपने घर बना लिया है और बाथरूम की दिशा दक्षिण पश्चिम में है तो बाथरूम में एक नमक का कटोरा रखें, इससे वास्तु दोष कम होता है। नमक का कटोरा इसलिए क्योंकि नमक वातावरण में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है, सोख लेता है। अगर आपके घर में कांच का फ्रेम हो तो ध्यान रहे कि वो लाल या सिंदूरी रंग का ना हो, और अगर कांच हल्का तथा बड़े आकार का हो तो ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा, क्योंकि हल्का और बड़े आकार का कांच सकारात्मक शक्ति को, सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, अगर आपके घर या दुकान में सीढ़ियां हैं और वो पश्चिम दिशा की ओर हैं या पश्चिम दिशा की तरफ से नीचे की ओर आती हैं तो आप कर्ज में डूब सकते हैं या कर्ज मुक्ति से परेशान हो सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर या दुकान की सीढ़ियों के नीचे क्रिस्टल को लटका दें, इससे आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हम हमेशा से अपने किचन को सजाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। उसको अच्छा करने के लिए क्या क्या नहीं करते हम, लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं जो आप ना करें तो आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं और आपके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। इसके लिए आप अपने किचन में नीले रंग का उपयोग ना करें, अपनी दीवारों पर नीला रंग ना करवाएं, क्योंकि इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति तो खराब होती ही है, साथ ही साथ परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसलिए नीला रंग कतई ना उपयोग करें, दीवारों पर कतई भी उसका प्रयोग ना करें। और अपने घर या दुकान में देवी लक्ष्मी तथा भगवान कुबेर की प्रतिमा उत्तर दिशा में स्थापित करें और नियमित रूप से माता लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी सारी उधारी और कर्ज समाप्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ज्ञानदान नॉलेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।